हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नेहरा है एंड आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे WHM में सिस्टम हेल्थ के बारे में। एंड उसमें दो तीन टॉपिक हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपना एक WHM का मास्टरिंग कोर्स चल रहा है, ये इसका 21 वीडियो है। जितने भी वीडियोज हैं आपको आई बटन पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं WHM में। और यहाँ पे आपको साइड बार में दिख रहेंगे ऑप्शंस, आपको नीचे आना है। नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम हेल्थ, इस पर क्लिक करना है। और सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ पे शो करंट डिस्क यूज में। तो यहाँ पे डिस्क यूज में जो अपनी हार्ड डिस्क है वो कितने साइज की है, उसमें यूजर्स कितना है, अवेलेबल कितनी है अभी, और जो परसेंट यूज है वो कितना है, वो यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। एंड यहाँ पे आप इसका छोटा सा एक ग्राफ भी देख सकते हो कि अभी कितना, मतलब कि कितने परसेंट ऑफ यूज़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डिस स्पेस की है वो समरी मिल जाएगी आपके खुद के सिस्टम की। अदरवाइज तो cPanel में तो अपन वो अनलिमिटेड दे देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो अपन ने VPS लिया है कितने GB का है, कितना उसमें अपने को स्पेस मिल रहा है, उसका समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं शो करंट रनिंग प्रोसेस। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो शो करंट रनिंग प्रोसेस, तो अभी आपके सिस्टम पे जितने भी रनिंग प्रोसेस चल रहे होंगे ना, वो उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नेम में यहाँ पे जो प्रोसेस है उसका नाम है, एंड फाइल में उस प्रोसेस का पाथ है पूरा कि कौन से फोल्डर में वो फाइल है। एंड यहाँ पे कमांड लाइन है। एंड यहाँ पे आप जब नीचे तक जाओगे तो यहाँ पे सारी प्रोसेस जो भी रनिंग में है यहाँ पे उसके नाम वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर में। ये प्रोसेस मैनेजर एक तरीके का आपका जो टास्क बार टास्क मैनेजर होता है ना PC में, कि अपन उससे यहाँ पे जैसे ये टास्क मैनेजर होता है अपना, सेम वैसे ही है कि अपन ने कोई प्रोग्राम लिया और उसको एंड टास्क कर दिया। ठीक है, वैसे ही ये वाला है। यहाँ से आप प्रोसेस को किल कर सकते हो कि कोई प्रोसेस रनिंग में है तो उसको एंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यूज़र, जैसे ये नेम्ड वाला है, तो ये नेम्ड बेसिकली DNS में आता है, जो भी DNS वगैरह स्टोर होते हैं वो इसी में ही होते हैं। या फिर आपको MySQL के जो प्रोसेस हैं उनको अगर किल करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके किल यूज़र प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हो। ओके, एंड इसमें भी यहाँ पे बहुत सारे हैं प्रोसेस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस किलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में रन होने वाली ये प्रोसेस हैं, तो अगर इनके बारे में जानना है तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके आ जाएंगे कि ये जो BTECs है वो क्या है, ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है तो ये BTECs है, तो ये क्या है, ये क्या यूज़ होता है। तो ये दिस इज़ अ पॉपुलर कमांड लाइन IRC इंटरनल रिले चैट क्लाइंट। तो जिस भी प्रोसेस को आपको करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और सेव कर दो, तो वो क्या टर्मिनेट हो जाएगी। एंड ये जब भी मतलब सर्वर रीस्टार्ट होके या कुछ भी होता है तो ये बाद में भी ऑटोमेटिकली क्लोज होती रहेंगी जो सर्विसेज हैं, बिकॉज ये आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे जो भी आपका ट्रस्टेड यूज़र है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना आप कि ये किस यूज़ में आता है, एंड ये जो आप यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं प्रोसेस वो कौन सा क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या अपने को इन प्रोसेस को अगर यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा इन प्रोसेस को क्लोज करने से, किल करने से या क्लोज करने से जो भी है मतलब सिक्योरिटी का इश्यू कम होता है, मतलब ये DDoS अटैक वगैरह से आप बच जाते हो। बिकॉज ये अगर प्रोसेस रनिंग में रहती हैं तब वो सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। तो यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ लेना एंड कौन सी प्रोसेस को आपको
किल करना है तो वो आप यहाँ से उन प्रोसेस को सेलेक्ट करके सेव कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था सिस्टम हेल्थ के बारे में अपन ने जाना। और अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।